दी डॉन एक्सप्रेस परिवार की ओर से परम पूजनीय माताजी श्रीमती सुमन निगम जी को शत शत नमन एवं श्रद्धांजलि। अब चलते हैं विभिन्न खबरों की तरफ। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड इस साल होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल का ऐलान 2 फरवरी को करने जा रहा है। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरिया निशंक ने दी है। इस काल के चलते लंबे समय से छात्रों की पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक बाधित रही, लेकिन 31 दिसंबर को इस पर विराम लगाते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरिया निशंक ने घोषणा की थी कि साल 2021 CBSE बोर्ड परीक्षा होगी। उन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान भी किया था। बोर्ड परीक्षा 4 मई 2021 से शुरू होकर 10 जून 2021 तक आयोजित की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित होंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बोर्ड परीक्षा के दौरान पूरी तरह प्रोटोकॉल का भरपूर ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया था कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन की जाएगी। वहीं बोर्ड परीक्षाओं के पेपर पैटर्न पर परीक्षा नियंत्रक कह चुके हैं कि बोर्ड परीक्षाओं का पेपर पैटर्न बोर्ड द्वारा जारी किए जा चुके सैंपल पेपर की भांति ही होगा। CBSE आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब सिलेबस को संबोधित नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड पहले ही 30% सिलेबस इस वर्ष के लिए कट कर चुका है। बोर्ड परीक्षा केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी करेगा और परीक्षाएं स्व केंद्र नहीं होगी। परीक्षा के दौरान एक कक्षा में सिर्फ 12 छात्रों की ही बैठने की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्रों को कन्वेंशन पेपर के क्वेश्चन पेपर के 3 सेट भेजे जाएंगे। 10वीं कक्षा के लिए 80+20 का फार्मूला लगाया जाएगा। इसमें 80 नंबर थ्योरी व 20 नंबर इंटरनल मूल्यांकन के दिए जाएंगे। स्कूलों को परीक्षाओं का प्रबंध करने के लिए जल्द ही एक नया सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, जिसकी लॉगिन आईडी व पासवर्ड हर स्कूल का अलग अलग रखा जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना को ही अंतिम माना जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की नंबर 1 स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी प्लेयर कंपनी MI इंडिया ने लोकप्रिय अभिनेता और रियल हीरो सोनू सूद के साथ मिलकर एक नई पहल की घोषणा की है। बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गरीब व वंचित वर्गों के छात्रों को समक्ष बनाने के लिए ब्रांड ने ये साझेदारी की है। ये आंदोलन देश भर में वंचित वर्ग के छात्रों की मदद करने पर ध्यान देगा, जो स्मार्टफोन की अनुपलब्धता के कारण ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग करने में असमर्थ हैं। उनके सहयोग के लिए MI इंडिया ने रेडमी स्मार्टफोन दान करके हजारों छात्रों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसके अतिरिक्त ब्रांड ने एक माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च की है, जिससे उपभोक्ता अपने पुराने स्मार्टफोन को दे सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा हर हाथ .com पर जा सकते हैं और देश भर में अपने फ़ोन को दे सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता पास के MI होम, MI स्टूडियो और MI सर्विस सेंटर में अपने काम करने की स्थिति के स्मार्टफोन को वहां भी देकर दान दे सकते हैं। इन सेकेंड हैंड स्मार्टफोन को MI इंडिया के सर्विस सेंटरों पर बच्चों को देने से पहले रिफर्शिड किया जाएगा। इस पार्टनरशिप पर बोलते हुए MI इंडिया के MD मनु कुमार जैन ने कहा, MI इंडिया में हर सभी के लिए प्रौद्योगिकी को आसान बनाने में विश्वास करते हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कुंजी है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सशक्त और सुरक्षित कर सकता है। इस समय में हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि किसी भी बच्चे को स्मार्टफोन की कमी के कारण शिक्षा से दूर ना होना पड़े। शिक्षा हर हाथ पहल सभी के लिए शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्ट करता है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सोनू सूद के साथ साझेदारी करके हमें बेहद गर्व है। साझेदारी पर बात करते हुए सोनू सूद ने कहा है कि हमें इस काल हमारे मनोबल को खतरे में डाल दिया है और हमने ना केवल इसका सामना किया है बल्कि मजबूत और एकजुट होकर भी उभरे हैं। लॉकडाउन ने शिक्षा के तरीके को बदल दिया और हमने जिससे के पास रिसोर्स की कमी थी उन समुदायों के विशेष रूप से प्रभावित किया, इसलिए उन बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंचाने और उनकी शिक्षा में निरंतरता
सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन के साथ MI इंडिया के साथ हमारी साझेदारी बेहतर भविष्य बनाने में मदद करने के लिए एक कदम है। ये पहल देश में बढ़ती साक्षरता और ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में हमारा कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद पूरी दुनिया में किरकिरी होने के बाद फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप अब सिक्योरिटी पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है। व्हाट्सएप वेब के लिए कंपनी ने अब सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट जारी किया है। बता दें कि ये दोनों फीचर पहले से ऐप वर्जन के लिए है। व्हाट्सएप बैग में फिलहाल QR कोड स्कैन करके लॉगिन किया जाता है, लेकिन अब अतिरिक्त सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दे दिया गया है। नए अपडेट के बाद व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको QR कोड के साथ स्कैन करना होगा और उसके बाद डिवाइस लिंक करना होगा। डिवाइस लिंक के तौर पर आपको फेस ID या फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल करना होगा। कंपनी ने कहा है कि बायोमेट्रिक डिटेल को स्टोर नहीं करेगी। साथ ही व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि बायोमेट्रिक डिटेल के जरिए यूज़र के फ़ोन का एक्सेस नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये फीचर कुछ ही यूज़र के लिए है, लेकिन जल्द ही इसे सभी के लिए जारी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दोवास में हो रहे समिट में कहा कि हमारी सरकार डेटा सिक्योरिटी के लिए सख्त कानून बना रही है। साथ ही भारत में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निवेश बढ़ाया जाएगा। समिट को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने देश में ही निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 15% तक कर दिया गया है। साथ ही वस्तु व सेवा कर की दरों में भी कमी की गई है। PM मोदी ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार के साथ ही कंपनी कानून में कई बिंदुओं को कम किया गया है। उन्होंने कहा कि 2040 तक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब $4.5 trillion की जरूरत होगी। सरकार और इंडस्ट्रीज को ये लक्ष्य मिलकर हासिल करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में एक है। भारत में सड़क और रेल नेटवर्क को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान विश्व को आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने 130 करोड़ नागरिकों को यूनियन हेल्थ ID देने का काम शुरू कर रहे हैं। इससे नागरिकों को आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। हमने कई बड़े सुधार किए हैं। आत्मनिर्भर भारत को उद्योगों का समर्थन भी मिल रहा है। संकट के बीच उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम उन देशों में रहे जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिंदगी बचाने में सफलता हासिल की। अब हम एक्टिव केसों की संख्या कम कर रहे हैं। हम 12 दिनों में करीब 22 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दे चुके हैं। इससे पहले करीब 1.8 खरब रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए। PM मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, तब हम अपने नागरिकों को दूसरे देशों से वापस लाए। हमने दुनिया को दिखाया कि कैसे आयुर्वेद के जरिए रोगों से लड़ने की शक्ति में इजाफा हो सकता है। आज हमारे पास भारत में तैयार 2 वैक्सीन है। हमारी ये वैक्सीन जल्द ही पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होगी। जल्द ही हम कई और वैक्सीन तैयार करने के लिए हमने अभी तक करीब 150 देशों को दवाई उपलब्ध कराई है। सभार, डेली हंट, डेली होम, आभार सहित, डी डॉन एक्सप्रेस।